तेरे पापों का हिसाब आया, तेरा बाप आया। जी हाँ, बाप आया है, मास्टर माइंड आया है बिग बॉस के घर के अंदर, विकास गुप्ता। जी हाँ, मज़ा आया आपको ऐसा उसकी खतरनाक एंट्री सुन के? ऐसा ही मज़ा अर्शी खान को आने वाला है। विकास गुप्ता पहले घर के अंदर आए थे, अर्शी खान की वजह से वो घर के बाहर गए। बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए सलमान खान अर्शी खान से कि विकास गुप्ता के साथ जो तुमने किया वो तुमने क्या किया। उसके बाद अचानक में विकास गुप्ता के बारे में कहा गया था कि वो सीक्रेट रूम के अंदर है। मैंने आपको कहा था कि कोई सीक्रेट रूम के अंदर वो नहीं है, वो बाहर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए, आज वो घर के अंदर री एंट्री ले रहे हैं। वाइल्ड कार्ड पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड वाला जो एक बोलते हैं ना कि कंटेस्टेंट है, वो री एंट्री ले रहा है, री एंट्री ले रहा है और री एंट्री ले रहा है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम शो के रोहाल, कैसे कहें, मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्प लाइन पर। दोस्तों, यहां पर विकास गुप्ता जो मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाते हैं बिग बॉस 14 के घर के अंदर, ये बिग बॉस ये काफ़ी सारे सीजन में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। लेकिन जब वो घर के अंदर आए थे तो अर्शी खान ने उन्हें ऐसा परेशान किया कि गुस्से में आके उन्होंने धक्का मारा अर्शी खान को, स्विमिंग पूल के अंदर गिरा दिया। उसके बाद बिग बॉस ने सजा के रूप में उन्हें बाहर निकाल दिया। वीकेंड के बारे में जब सलमान खान आए थे तो अर्शी खान पर बहुत ज़्यादा बरसे थे और कहा था कि तुमने जो विकास गुप्ता के साथ में किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। जो उसने किया ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी गलती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, उसे शो की ज़रूरत थी। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि यार घर के अंदर आने वाले हैं। और देखिए, री एंट्री हो गई वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री की, यानी कि विकास गुप्ता की बिग बॉस के घर के अंदर। मज़ा आएगा क्योंकि बाहर से वो देख कर आए हैं क्या क्या घर के अंदर हुआ है, कौन कौन उनका साथ देने वाला है। मज़ा तब आता है जब होता है कोई इंसान उन लोगों के साथ में बाहर जाता है, उनके पीछे से उसके बारे में हरकतें देखता है और फिर धमाके से री एंट्री लेता है और कहता है तेरा बाप आया। मैं हूँ एंकर करण राजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।